बिहार विधानसभा के बाहर है अभी भी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, वो अभी नामांकन करके आई है, तो चलिए इनसे बातचीत कर। कितनी खुशी हो रही है मैम, पार्टी ने आप पे भरोसा, बिल्कुल पार्टी ने जो भरोसा जताया उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगी, खरा उतरने का काम, खरा उतरने का काम करेंगे जी बिल्कुल। आगे किस तरह से काम करेंगी मैम? पूरे मुस्तैदी के साथ, जो देश पर आरक्षण पर खतरा है, जो देश के संविधान पर खतरा है, इस चीजों को लेकर के जो गरीब गुरुआ को, खासकर अति पिछड़ा भाइयों को जो नरेंद्र मोदी ठगने का काम कर रहे हैं, उनको बेनकाब करने के लिए सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को मैं बुलंद करूंगी। आपकी पार्टी के कई विधायक टूटते जा रहे हैं, कहा जाता है टूटते, पार्टी में इज्जत नहीं मिलती है दलितों को, पार्टी में इतनी इज्जत मिलती है दलित को कि जो कपड़ा धोती थी आज विधान परिषद में गरज रही, जो पत्थर फोड़ती थी पार्लियामेंट पहुंच गए। उर्मिला ठाकुर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी आज देखिए आपके सामने बाइट दे रही है। पार्टी की विधायक संगीता कुमार ऐसा बोल रही थी। अरे संगीता कुमार को पूछिए ना कि राजनीति में आया हुआ कितना दिन हुआ, जुमा जुमा जो जो दूसरे जगह पैसे पर बिकने वाले लोग क्या बोलेंगे ये सब, अरे क्या पर बिकी है तब वो लोग जाने। और मैं यही कहूंगी कि ऐसे लोग जो इस तरह के जुमलेबाजी करते हैं, आप देखते थे अंग्रेज को फूट डालो और शासन करो, उसी अंग्रेज की नीति पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री चल रहे हैं। फूट डालो और शासन करो, जोर तोड़ की राजनीति उनमें है, हम लोग में नहीं है। हमारे नेता कभी सत्ता की परवाह नहीं किए हैं। उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 400 सीट आ गई तो संविधान खत्म कर देंगे, वो तो सब लोग जानते हैं संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, और 400 सीट कहाँ से आएगा? लोगों के लिए क्या किया है? 2 करोड़ युवा को नौकरी दिया, किसान के लागत मूल का 1.5-2 गुना दिया, 15-15 अरे भैया ऐसा चौकीदार जिसके नाक के नीचे से कहते थे नरेंद्र मोदी मैं प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार हूँ, ऐसा चौकीदार जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी करोड़ों रुपया लेकर विदेश भाग गया और वो नहीं बचा पाए, तो क्या बोलते हैं, क्या बोल करेंगे? बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, कुछ बड़का झूठा पार्टी पर हम लोग पार्टी में, लेकिन परिवारवाद है हमेशा, परिवारवाद पे बोलते हैं। अरे भैया परिवारवाद तो वहाँ है, आप देखिए ना उनके गठबंधन में, दूर मत जाइए, अभी आपका उम्र कम है, आप शुरुआत की है, आप दूर मत जाइए इंडिया में, आप बिहार में देखिए ना संतोष मांझी का जिसका नॉमिनेशन करा है, उनके पिताजी कौन है? वो परिवारवाद नहीं है। चिराग पासवान और पारस पासवान कौन है? वो परिवारवाद है। अनुराग ठाकुर कौन है? वो परिवारवाद नहीं है। सीपी ठाकुर का बेटा अमित शाह तो कह रहे हैं कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो पिछड़ों का क्या भला करे? हाँ तो निश्चित रूप से अमित शाह जो है कुछ क्रिकेट का, उनका बेटा कहाँ पर कौन मैदान में है छक्का मारे थे, कौन मैदान का रिकॉर्ड तोड़े थे, जो वो जो है आज सीसीआई का अध्यक्ष बने हुए हैं, और वो तो चाहते हैं कि किस तरह एन प्रकार मेरा बेटा जो है गुजरात में स्थापित हो जाए, वहाँ परिवारवाद नहीं है और घोटालेबाजी नहीं है। यही देश का प्रधानमंत्री बोले थे महाराष्ट्र में अजीत पवार के बारे में कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया, और उनके साथ चले गए तो गद्दी भी मिल गई और राजा हरिचंद्र भी बन गए। वॉशिंग मशीन की बात कर रही है, एकदम वॉशिंग मशीन है ना, एकदम वॉशिंग मशीन है निर्मा साबुन, इस पार से इस पार से घुसी है उस पार साफ हो, नहीं आएगी मोदी सरकार, एकदम नहीं आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी सिंहासन खाली करो की जनता आती है, दिल्ली पर कब्जा हो जाएगा जो लालू जी बोले, बिल्कुल बिल्कुल कब्जा होगा, हो जाएगा एकदम। अच्छा मोदी का परिवार मुहिम चल रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? अरे भैया मोदी का परिवार मुहिम वही लोग चला रहे हैं, मोदी मीडिया कैसे काम कर रहे हैं कि हमको नौकरी से हटा देंगे, वो बिरला टाटा डालमिया बजाज मोदी गोयनका अडानी अंबानी पैसे वाले की पार्टी है, पैसे वाला का मीडिया है, पैसे वाला का अखबार है, तो वो जो बोलेंगे वो सब देश की जनता है मोदी का परिवार कोई, अरे भैया एक एक बीबी संभाल नहीं पाया, पूरा देश संभालने के सपना देखते हो आप, एक बीबी को आप संभाल नहीं पाए, आप कहते हो, आप कहते हो कि हमने 3 तलाक हटा दिया, मुसलमानों की बहु बेटी को सुरक्षित कर दिया, आप किस 3 तलाक के तहत आप अपने जसोदा बेन को आपने छोड़ने का काम किया, और सिर्फ सिर्फ अपने ही पत्नी को उन्होंने अपमानित करने का काम नहीं किया, उन्होंने देश की महिला को ठगने का काम किया, देश की महिला के आंसू को पोंछने का नहीं काम किया, मणिपुर में महिला को घुमाया गया, प्रधानमंत्री विदेश का सैर कर रहे थे चुप थे, देश की जो देश और दुनिया में परचम लहराने वाली लड़की पहलवान को उनके सांसद ने शोषण किया, प्रधानमंत्री चुप थे, बेएचओ में छात्रा के साथ
हुआ प्रधानमंत्री चुप थे। महिला को बोले उजाला योजना हम के तहत फ्री में गैस सिलेंडर देते हैं और महिला को 400 का सिलेंडर 1200 पर महिला दिवस के अभी तो वो किया है कि चुनाव 24 का कर रहा है वो चुनाव के वजह से वो जो है सिंदूर पर काजल पर लिपस्टिक पर बिंदी पर सब पर जीएसटी लगाने का काम किए तो वो क्या जानेंगे। आपकी सरकार आएगी तो जीएसटी नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। इतना 18% शिक्षा जैसे जो शिक्षा इतना अधिकार है फंडामेंटल राइट में शामिल है और उस पर इस देश में प्रधानमंत्री ने 18% जीएसटी लगाने का काम किया, एक पल भी उसको गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है हमारे साथ जिला ठाकुर भी अपने सुना उन्होंने क्या कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।